चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं एक तीखी स्पाइसी टैंगी मिर्च की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए ये मिर्च, ये मीडियम साइज़ की थोड़ी मोटी मिर्च है और काफ़ी तीखी है। इसके साथ ही ले लिया मैंने कलौंजी दाना, राई दाना, खड़ा जीरा। इसके साथ ही साथ लिया है नमक। नमक के साथ हमने ले लिया है अचार मसाला और हल्दी। इन सब के अलावा हमने ले लिया है खटास के लिए नींबू, और इसके अलावा लिया है स्वाद, सुगंध और पाचन के गुणों से भरपूर हींग। अब हमने करना क्या है कि इन मिर्चियों को हमने लिया और इनकी डंठलों को तोड़ लेंगे, और तोड़ के इसमें बीज से चीरा लगा देंगे। इस तरह हम सारी मिर्चियों के साथ ऐसे ही करेंगे। इधर हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसमें रख दिया है सरसों का तेल गर्म होने के लिए। इसके साथ अब हम करते हैं, साथ ही साथ नींबू काट लेते हैं और उसका रस निकाल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं उठने तक हमने इसे गर्म किया है। अब गर्म होने लगा है तो हमने डाल दिया है कलौंजी दाना, उसके बाद डाला है जीरा। जीरा चटकने लगा है, उसके बाद ही हमने इसमें राई डाली। आप राई पहले न डालें क्योंकि फूटती है तो उछलती बहुत है कढ़ाई से। इसके साथ ही डाल दी है हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें अपनी ये तीखी तीखी सी डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्चियों को डाल देंगे और इसके साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे अचार का मसाला। अचार का मसाला डालने के साथ ही साथ डाल देंगे हल्दी। हल्दी को डालने के बाद हम इसे कर देंगे थोड़ा सा स्टर फ्राई, और इसे थोड़ा स्टर करने के बाद इसमें हम मिक्स कर देंगे अपना नमक, और नमक डाल के हम इसको फिर थोड़ा सा स्टर कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद ताकि ये अपना सेल्फ हीट में पक जाए। अब देखिए, हमने गैस बंद कर दी है और इसे छोड़ दिया है। अब देखिए, ये हमारा मिर्चियाँ पक गई हैं सेल्फ हीट में। इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे नींबू का रस, खटास के लिए आप अमचूर भी डाल सकते हैं, और अब हम इसे कर देंगे सर्व। ये हमारा हो गया रेडी। तो हमने अपनी इस मिर्ची को सर्व कर दिया है, और आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।